sexo, dormirme y está muy bien, la casa de maestría, Gurubi Gaurachandraya Radhikaya Iskadalaya Krishnaya Krishnabhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Sarvatra Mere Guru Pad Padma Nitalila Pravishnam Vishnu Pada Shtotra Chata Sri 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 Mata Bhakti Sri Guru Siddhanta Goswami Maharaj Vicharana Kamala Ananda Bhakti Sashmana Kandavat Pranam Tat Pashyat Mere Sikha Guru Pad Padma Nitalila Pravishnam Vishnu Pada Shtotra Chata Sri 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 Mata Bhakti Vedanta Sri Lala नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरजन श्रद्धा पुष्पांजलि उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जय प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को कृष्ण ने प्रश्न किया है। उनका प्रश्न है वास्तव रूप में शिष्य कौन है। क्या प्रश्न है? वास्तव रूप में शिष्य कौन है। तब प्रभुपाद इसको उत्तर देते तब प्रभुपाद इसको उत्तर देते हैं भगवान कृष्णचंद्र अमार मंगल यावती भार जार कर अर्पण कर गुरुदेव पाद पद्म यदि हमें पूर्ण शरणागत होते पारी तभी हमें प्रकृत शिष्य कहते वास्तव शिष्य वह है। कहते भगवान कृष्णचंद्र हमारी मंगल के लिए जिसको अपन ने सब कुछ अर्पण किया है। कहते अगर ऐसे गुरुपाद पद्म को चरण में अगर हम संपूर्ण रूप में शरणागति हो सकते हैं तो वास्तव रूप में हम प्रकृत शिष्य है। इसलिए कहते जो गुरुदेव कौन होते हैं जो हमें परमात्म जगत का रास्ता दिखता है गुरुपाद। इसलिए इतना बुकार अंदर का रुपात रुकार मतलब सारे अज्ञान को दूर करके हमें जो दिव्य आलोक प्रदान करते हैं। कहते ब्रह्मांड ब्रह्म थे कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए तभी जीवन में सद्गुरु का प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते क्योंकि कृष्ण बोले सही जी अदादि बहिर्मुख अतएव माया कार्य करिए संसार संसार का शायद दुख भ्रष्टाचार ने किया है उन लोगों ने कृष्ण को भूल गए। इसलिए माया क्या क्या जीव को आवरणात्मी और दुख्य पार्थिव को चोला पहना आवरणात्मी मतलब क्या है कहते जो आत्मा को भरे जो आवरण कर देता है कौन सा शरीर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार और चित्त है ये शरीर से पहले उसको ऊपर में ढक दिया। दिखे बात में मतलब दिया है जो शरीर ऊपर से दिख रहा है इति जल पाप गगन संध्या पंच रचित यह अधर्म शरीर जो मिट्टी वायु आकाश जल से जो बना हुआ आदमी से जो बना हुआ इसलिए उसको ऊपर जब ढक दिया प्रक्रिया हुआ ढकने पर जीव तो संपूर्ण रूप में अपनी असली स्वरूप में भूल जाता है। इसलिए श्री जगदानंद पंडित कहते हैं पिशाच पाई ले जिन मति सर न है माया ग्रस्त जीव रहा है सेवा भाव उदाहरण दिया है। इसको भूत लगते हुए देखे हो बस सिद्धांत। इसलिए जब भूख किसको पर लग जाता है अब देखना उसको कुछ वो अपना परिचय नहीं देता है वो अपना परिचय नहीं देता है वो किसका परिचय देता है भूत का परिचय देता है हमको स्थान पर था वो वहाँ पर गई थी केस खोल के जा रही थी इसलिए मैंने उसको पर आ गए वो अब जो जीव का अपने स्वरूप में देखे सारे भूत का परिचय है इसलिए कहते पिशाच पाए ले जन्म मति सर न है जैसे उसको भूत लगने पर जैसे मति संपूर्ण बिगड़ जाती है। कहते माया ग्रस्त जीवन है सेवा जो माया के द्वारा जो ग्रस्त होता है ठीक वैसे हमने पूछा तुम कौन हम बोले कि हम कृष्ण का नित्य दास नहीं मेरा नाम नहीं
मेरे पिता जी हैं, मेरे माता जी हैं, मेरे भाई वो हैं, मेरे बच्चे ये हैं, मेरे घर माँ है। जितना परिचय किसका परिचय साज का परिचय भूत का परिचय हम असली परिचय आपको नहीं देते। तो एक ही परिचय है हम गुरुदास नहीं था हम कृष्ण के दासों के दासों के दासों के केवल यही परिचय और कोई परिचय नहीं है। अब कोई परिचय हमारे नहीं है इसलिए कहते लेकिन जो परिचय कौन देता है जो गुरु जी के शरण में हम आते हैं इसलिए कहते ब्रह्मांड ब्रह्म के पूर्ण भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति ब्रह्मांड के जो भ्रमण करते करते जब हमारी भक्ति उन्मुख स्फूर्ति बहुत ज़्यादा रूप में होता है फिर भगवत इच्छा से हमें ऐसे साधु से गुरुपाद प्रभु मिलते हैं इसलिए कहते हैं चक्षुदान दिला दी जन्म जन्म चक्षुदान आज तो पहले था आज तो पहले था लेकिन जो वास्तव जो ज्ञान हम कौन है कहाँ से आए कहाँ जाना क्या कर रहे हैं भक्ति मन ठाकुर कहते हैं क्या मी कथा ऐसी लाभ करते ऐसा है लाभ की बात आज करे गला क्या कथा सारे भक्ति मन ठाकुर कहते हैं अगर ये ज्ञान किसके अंदर में आए ना समझना भक्ति का पहला जो सीढ़ी में प्रयाग है व्यक्ति भक्ति का पहला सीढ़ी में क्या है के अमी कोथाए छिलाम मतलब मैं कौन हूँ कोथाए छिलाम मतलब हम कहाँ थे बोले की करी थे ऐसा एलाम यहाँ पर क्या करने के लिए हम आए हैं बोले जाबो को था शरीर पता नहीं जब ये शरीर छूट जाएगा हम कहाँ जाना कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। अगर ये प्रश्न किसको अंदर में आते ना इसलिए कहते अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा जब ब्रह्म जिज्ञासा भगवत पर जिज्ञासा करते हैं समझना ये भक्ति का पहला स्टेज में हमने प्यार करना अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो कमाओ खाओ और जानवर के जीवन मानता तो ये कोई जीवन नहीं ये कोई जीवन नहीं इसलिए क्या जब हम वास्तव रूप में गुरु जी के चरण में आते हैं गुरु जी हम असल रूप में अपना परिचय देते हैं इसलिए आप प्रभुपाद कहते हैं कहते जो गुरुदेव कौन है हम जो असली ज्ञान प्रदान करें इसलिए कहते जो भगवान कृष्णचंद्र हमारे मंगल के लिए इतना सारे भार जिसको ऊपर में अर्पण किया है कहते ये गुरुपाद ब्रह्म अगर ऐसे गुरु जी की चरण में अगर हमने शरणागत होगी तो कहते क्या कहते तब समझना हम वास्तव रूप में शिष्य है वास्तव रूप में शिष्य है गुरुदेव अमार मंगल निरंजन ने जो व्यवस्था करें कहा न तो श्रेय ग्रहण कराया हमारा कर्तव्य यही प्रकृति शिष्य विचार न तो मंगल अमंगल अनिवार्य तद गुरुपाद ब्रह्म हमारे मंगल के लिए जो कुछ व्यवस्था करते हैं उसको क्या करनी चाहिए हर साल को नीचा करके उसको क्या करो उसको जीवन में उतारनी चाहिए यदि ये वास्तव रूप में यही वास्तव रूप में गुरु शिष्य की परिचय है जीवन में फिर अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में मंगल कभी हो ही नहीं सकता है इसलिए जिन्हें भोगी ना हो इंद्रियों द्वारा भोग ना करे गुरुवान गते सतत भगवत सेवा करेंगे प्रकृत शिष्य प्रश्न है ना वास्तव रूप में शिष्य कौन है कहते जो वास्तविक शिष्य है वो क्या करते हैं कहते जो भोगी नहीं हो करके समस्त इंद्रियों को द्वारा विषय भोग नहीं करके क्या करते हैं हर समय भगवत सेवा करते हैं शिष्य मतलब जो शासन को जो स्वीकार करे वो शिष्य है इसलिए उनको सारे जो अखिल चेष्टा है इसलिए प्रभुपाद ने बताए तो वास्तव रूप में शिष्य और गुरु कहते उनको जितने अखिल चेष्टा जितने सारे चेष्टा है इसके लिए सारी चेष्टा है हम भगवान को कैसे प्रसन्न करें गुरु वैष्णव को कैसे प्रसन्न करें उनका सारी चेष्टा करो एक विषय पर केंद्रित होता है कोई भी काम करते हैं वो देखते हैं इसको अगर हमारे गुरु जी संतुष्ट हो रहे कि नहीं वैष्णव संतुष्ट हो रहे कि नहीं ठाकुर जी संतुष्ट हो रहे कि नहीं ये जिनको पहले विचार करके ही सारे काम को ये करते हैं अगर जिसमें हमारे गुरु वैष्णव जी ठाकुर का संतुष्ट नहीं अपना मनमानी ढंग से कर रहे मन जो चाह वही कर रहे फिर तो वो शिष्य नहीं है शिष्य नहीं है इसलिए
यही जगत रे सब गुरु सेवा उपकार जो वास्तव शिष्य है वो किस रूप में देखता है क्योंकि जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब के सब गुरु सेवा के लिए ही है, वो अपना सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं, समस्त वस्तु गुरु सेवा के लिए। सबई कृष्ण सेवार वस्तु गुरु सेवार उपकरण भोग बुद्धि हले मंगल हरे ना। अभी प्रश्न है सब कुछ तो गुरु सेवा के लिए है लेकिन भैया सभी गुरु क्या ऐसे हैं, प्रश्न होता है ना, इसलिए सब गुरु अगर सब पूछेंगे नहीं सब गुरु सेवा के लिए सब वस्तु तो भैया गुरु तो गुरु नहीं मिलेगा, अगर जिसको तिसको हम गुरु मान लेंगे हैं जिस गुरु जी का भगवान के साथ में कोई संबंध नहीं कोई मतलब नहीं भक्ति भजन में कुछ मतलब नहीं अपना भोग बेटा। इसलिए गुरु जी का जो लक्षण बताए क्या लक्षण बताए बोले श्री विग्र आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्त विश्वनाथ गुरु ठाकुर गुरुदेव का लक्षण कहते हैं। क्या लक्षण कहते हैं बोले जो स्वयं हर समय में भगवत सेवा में लगा हुआ है और जो अनुगत जो लोग हैं तो किसकी सेवा में लगाते हैं उसको भी भगवत सेवा में ही लगाते हैं। खुद भजन करते हैं ब्रह्म का सेवा और दूसरों को उनकी सेवा में ही लगाते हैं। इसलिए गुरुदेव को दो स्वरूप मानी गई है, कहते एक स्वरूप हम कहते हैं गुरुदेव कौन है कहते बलदेव अभी, दूसरा स्वरूप क्या है निकुंज दूसरे रूप में हमारे गुरुदेव कौन है राधा कृष्ण के निकुंज मंदिर में जो कि राधा कृष्ण की सेवा में जो अत्यंत अत्यंत जो निपुण है संपूर्ण कृष्ण जो निपुण है ये गुरुपात है निपुण है। इसलिए उसी गुरु जी का ये दो स्वरूप माने गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारे गुरु जी के अंदर भी गुण आनी चाहिए क्या आनी चाहिए जैसे नित्यानंद प्रभु अभिन्न बलदेव अभिन्न बलदेव करते हैं, कृष्ण से अभिन्न है कृष्ण से कोई अलग नहीं, केवल कृष्ण देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे इतना ही और कोई फर्क नहीं, लेकिन अभिन्न होते हम ये कर रहे हैं क्या कहते उनका जितने सारे चेष्टा कृष्ण से पंच रसों से शांत दास्य सत्य वात्सल्य मधुर पंच रसों से श्री कृष्ण सेवा अनंत मंदिर रूप में राधारण की छोटी बहन बनकर बलदेव कृष्ण सेवा करते हैं। वात्सल्य रस में अगर कभी कृष्ण अगर खलते खलते कभी थक गए तो बलदेव प्रभु के तैयार के ऊपर में जंगे ऊपर में कृष्ण स्थान रखते तो सो जाते और बलदेव प्रभु कृष्ण हवा करते बड़े भाई बड़े हवा करते और सत्य रस रूप में क्या करते हैं हेल्प भी करते हैं फिर बलदेव प्रभु एक तरफ में तरफ कृष्ण दोनों भाई के अंदर में कॉम्पिटिशन होता है खेलते हैं। इसलिए दास उनको दास्य रस में सख्य रस में और वात्सल्य श्रृंगार हर रस में ये सेवा ही सेवा करते हैं और दस शरीर से जो कुछ हम देखते हैं आसन व्यंजन पादुका उनकी चंद्र उनकी कपड़ा उनकी वस्त्र उनके अलंकार उनके सिंहासन उनकी चामर उनके व्यंजन कौन प्रकट हुए सब कैसे बढ़ते हैं प्रभु संपूर्ण रूप में कृष्ण सेवा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वही गुरुदेव गुरुदेव है जिनकी समस्त क्रिया केवल भगवान की सुख ठाकुर की सुख है, ऐसे नहीं हमारे कहते ना जय गुरुदेव मंदिर में जाओ कोई भगवान भगवान कुछ नहीं गुरुदेव पर बैठा नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं हाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव ये शास्त्र में है ये श्लोक शास्त्र में ही है लेकिन हमारे भक्ति जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज कहते हैं बोले शास्त्र में ये श्लोक है लेकिन गुरु जी को ब्रह्मा तो साथ में उदाहरण दिया हुआ क्यों ब्रह्मा जैसे सृष्टि करते हैं गुरुदेव भी हमारे हृदय में कृष्ण नाम रूपी जो बीज को बोते हैं यदि सृष्टि का काम है यही सृष्टि का काम है जो भक्ति के जो भाव को संचार करते हैं कथा सुनाने का यही ब्रह्मा जी का काम बोले विष्णु का काम विष्णु क्या करते बोले पालन करते हैं बोले गुरुदेव क्या पालन करते हैं बोले हरि कथा के द्वारा भक्ति को उपदेश के द्वारा भक्ति नाम कैसे धीरे धीरे पढ़े हैं इसलिए गुरु
रुद्र उसको बड़ा हमारी पालन करते हैं, बोले संहार करते हैं, शंकर जी का काम बोले संहार कैसे करते हैं। अगर कहीं हम गलत रास्ता पर जाते हैं कहते संत वास चिंतन की मनोव्यास बाणी की तलवार के द्वारा क्या करते हैं हमारे हृदय की अनर्थ की गलत रास्ता पर जाने पर हमारे सामने रोकते हैं। इसलिए गुरु जी को ब्रह्मा शंकर और विष्णु के साथ उदाहरण दिया है। अगर गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ जाएंगे? अगर गुरुदेव बन गए तो भर ये लोग कहाँ जाएंगे हैं? इसलिए इसलिए कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एक सख्त शिष्य का क्या कर्तव्य है? कहते यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि ज्ञानी आमी कहते हैं, कहते अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब दास, जगत में केवल ईश्वर एक कृष्ण नहीं है, सबके सब उनका दास है, सबके सब दास है। इसी दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव भी भगवान के दास है, क्योंकि अकेला कृष्ण दास कृष्ण अकेला ईश्वर कृष्ण सब उनके दास, राधा रानी की दासी, बलदेव गुरुदासी, सबके सब उनका दास है। इसलिए हमारे गुरुदेव को क्या हो गए? उनका दास बन गए। लेकिन कहते एक शुद्ध शिष्य का क्या कर्तव्य है? उनका शुद्ध शिष्य का कर्तव्य है तथा भी जानिए अमिताहर दास, तो इस रूप में जानते हैं ठाकुर ही अभिन्न रूप में गुरु जी के रूप में हमारे पास आए, हमारे कल्याण हमारी उद्धार करने के लिए हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं उसको भावना किया जगत में जितने वस्तु है ये सब कृष्ण सेवा के लिए ही है, अपने सेवा के लिए कोई भी चीज नहीं, सबके सब कृष्ण सेवा के। इसलिए हम देखता था हमारे गुरुदेव थे ना, जब ठाकुर का कोई सेवा हो ना ठाकुर साग बना हुआ, भाजी बना हुआ, चटनी बना हुआ, खीर बना हुआ, रसा बना हुआ, दाल प्रसाद हो पाए तो प्रसाद पा करके आए मंदिर में, बोले आज से हमारे मंदिर में भी ठाकुर की सेवा होनी चाहिए। हमने जब पुटा बना इतने सुंदर भोग लगाते हैं, हमें रोज यहाँ भाजी होनी चाहिए, रोज यहाँ ठाकुर के लिए रोज साग होनी चाहिए, महाप्रभु का साग प्रिय है, गौर प्रिय साग रोज साग होनी चाहिए, रोज गड्ढे का सब्जी होनी चाहिए, रसा होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, खीर जरूर हो, चटनी जरूर हो, ठाकुर की थोड़ी थोड़ी हो, नहीं ठाकुर की रोज होनी चाहिए। तब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में गए गुरु जी, उन्होंने देखा बड़ी सुंदर झूला, जगन्नाथ बड़ी सुंदर झूला है, बोले हमारे मंदिर में भी ठाकुर जी के लिए झूला होनी चाहिए। तब उन्होंने गुरुदेव ने तीनों मटन क्या झूला इतना सुंदर झूला देखने के लिए सड़क नहीं आती। इसलिए मैंने देखा था, फिर जब मैं आया वृंदावन में तो मैं भी मनाऊंगा, फिर तो मैंने महाराज को बोल कर दी जो झूला बना वृंदावन में मैंने बहुत परेशान किया, मिस्त्रियों को वहाँ से बुला करके ले आना, घर में उनको बैठा करके उनको सारी चीज़ बनाना, और दिन में अलग अलग जगह पर गए जहाँ पर अपर गाज कहाँ मिलता है, फूल कहाँ मिलता है, सब चीज़ दुर्गम चीज़ है। इसलिए जा जा करके इकट्ठे करके हमने ये सब चीज़ एक वृंदावन में हमारी झूला हुई, हमने किसको निमंत्रण नहीं दिया, पूरा वृंदावन उम्र कर दिया, झूला बनाया, सचमुच से कोई चीज़ है ना, लग रहा था कोई कोई बोलो तो वृंदावन से कोई चीज़ उतर कर जा रही, क्या दिव्य उसमें सुंदर देखने के लिए, बड़े बड़े लोग वहाँ पर जितने मठ के महंत लोग सबके सब देखने के लिए आए, क्या बनाया हर समय कृपा लगा था, वो भी देखने के लिए आया था मंदिर में, ये क्या बनाया जाकर जब उनको बोले क्या बनाया, सारा दुनिया की मेहनत सब आए हुए। इसलिए कहते गुरु जी का जो चेष्टा उनका सारी चेष्टा किया है, हैं चेष्टा है हर चीज़ जब ठाकुर को सेवा में लगे तभी वो चीज़ भी सार्थक, अपना सेवा में लगने में सार्थकता नहीं है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, सारी भावना केंद्रित तो एक ऊपर करते हैं, अपने लिए कोई चीज भी लगाना नहीं चाहते। इसलिए कहते कृष्ण जगत में सब कुछ कृष्ण सेवा की वस्तु है, कहते इसके लिए गुरु सेवा उपकरण भोग बुद्धि के लिए मंगल है ना, अगर गुरु जी की सेवा के लिए अगर हमारी भोग बुद्धि नहीं सुन हम स्वयं भोग करें फिर भैया कभी हमारे कल्याण करे नवीन है होने वाले नहीं। प्रत्येक वस्तु से गुरु दर्शन ना मिले अमंगल अनिवार्य,
कद हर वस्तु में हमें गुरु दर्शन होना चाहिए। गुरु दर्शन हम चाहे उनको लग जाए इतना हर वस्तु ये गुरु सेवा के लिए आधार वस्तु है। ये सारी वस्तु गुरु सेवा के लिए। और गुरु क्या चाहते हैं कि जितने सारे वस्तु कृष्णा सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए सारे वस्तु। इसलिए हर चीज को अपना भोग बुद्ध नहीं करके उसमें गुरु दर्शन उसमें हो। इसलिए प्रकृत शिष्य यह मर्म मर्म अनुभव करे सतत गुरु कृष्ण सेवा के जीवन करे। प्रति वास्तव रूप में जो शिष्य है वो हर मर्म मर्म में अनुभूति करता है। मर्म समझते हैं हर मर्म मर्म एवरी पॉइंट एवरी पॉइंट हर पॉइंट हाँ हर पॉइंट हर क्षण हर चीज में वो ये अनुभूति करते हैं जिसका जीवन ही सब कुछ गुरु सेवा के लिए ही अपना है जीवन। प्रकृति शिष्य अंतर बाहिर गुरु दर्शन करे। शिष्य निज के लघु जानी लेता लघु दर्शन व भव्य दर्शन ना ही यहाँ पर कह रहे हैं। वास्तव रूप में जो शिष्य है तब अंदर में और बाहर में हर समय उसका गुरु ही दर्शन होता है। और जो शिष्य है जब अपने आप को छोटा समझता है हम लघु है मैं छोटा समझता है उसको फिर तो कार लघु दर्शन व भोग दर्शन है। जब ये समझेगा हम कौन है हम महाप्रभु का दासों का दासों का दासों का दास ना तो वृत्त तो वृत्त 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 से वृत्त इति स्मरणाम लोकनाथ ठाकुर जी हमें आप इसी रूप में स्मरण करो हम भगवान के दासों का दासों का दासों का हम दास है। जब हम अपने आप को मानेंगे वैष्णव का दासों का दासों का दास है हर समय अपने आप को हम लघु मानेंगे छोटे मानेंगे हैं छोटे। फिर उसका भोग दर्शन कहाँ है वो किसी चीज को भोग रूप में दर्शन ही नहीं करेगा क्योंकि हर चीज में अपने वैष्णव का दासों का दास माने है अपने अंदर में भोग वृत्ति आएगी नहीं। इसलिए गुरु छड़ा की जगत आमार अपना बोलकार क्यों नाई यही सुबुद्धि निष्कपट शिष्य था गई हृदय शिष्य के हृदय में क्या भावना रहनी चाहिए उनकी भावना ये रहनी चाहिए अगर जगत में हमारी अपना बोल कर अगर कोई है बोलिए अगर जिसके हृदय में ये निष्कपट रूप में ये भाव रहे केवल तो ही हमारे जीवन का सुख। इसलिए बोले ध्यान मूलम गुरु मुक्ति पूजा मूलम गुरु पदम ध्यान मूलम गुरु भक्ति। जगत में जितने ध्यान है उसमें मूल क्या है गुरु का मूर्ति ही सबसे ध्यान का है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु वाक्य गुरु पद गुरु पदम हाँ पूजा का जो मूल क्या है गुरु जी की जगत में जितने वाक्य है इसमें मूल क्या गुरु जी के वाक्य ही यही मूल मंत्र और मूलम गुरु कृपा। इसलिए भगवत प्राप्ति का तब जीवन में होगा जो गुरु जी की कृपा है। इसलिए महाराज जी ने नारायण गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर एक आरती पहला नंबर है गुरु गुरु तो गुरु नाम में जो कलंक है इसलिए गुरु जी क्यों करते हैं गुरु जी के पास माल आते हैं ना इसलिए कहते हैं गुरु जी करने पर गुरु जी का सारे माल हमें मिलेगा सारे मठ में भी हमें मिल जाएगी है। और गुरु जी केवल वस्तु की प्रति सेवा में का भक्ति में रुचि नहीं इसलिए जो केवल गुरु जी की है जो संपत्ति का ऊपर में जिनका ध्यान है जिनका भक्ति में कोई ध्यान नहीं है इसको बुलाए गुरु गुरु तामसी राजस्व की सात्विक निर्गुण कहते चार तरह के शिष्य होते हैं कितना तरह के चार कहते पहला नंबर क्या है तामसी है तामसी की मैं गुरुदेव ने उदाहरण दिया है कर्ण का कर्ण को उदाहरण दिया है उसको एकलव्य को उदाहरण दिया है एकलव्य ने वो गया गुरु जी के पास में सीखने के लिए हैं विद्या सीखने के लिए बोले गुरु जी हमें सिखा दो बोले तुम कौन सा कुल में आए हो बोले सबर हैं जो बह लिया बोले
और उसका भावना क्या था, मैं बड़ा बन करके अर्जुन को परास्त करूँ, क्योंकि अर्जुन था कृष्ण का सबसे प्रिय, द्रोणाचार्य जी का सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन, किसी तरह इसको तो नीचा दिखा, नीचा दिखा, इसलिए वो गुरु कर्म करना चाहते हैं। लेकिन जो गुरु जी का प्रिय है उसको नीचा दिखाना हमारे अंदर नहीं, बल्कि जो गुरु जी की प्रिय है, जो गुरु जी की प्रिय है कोशिश करनी चाहिए। राधा ने कहती है ना, अगर कृष्ण और किसी सखी को दर अगर प्रसन्न होते हैं और कोई अगर कृष्ण की सेवा करते हैं, मैं क्या कर दूँ, उनकी सेवा कर दूँ, क्यों हमारे जो प्रभु कृष्ण है वो इनकी सेवा करते हैं। इसलिए हमारे कर्तव्य है गुरु जी जिसको बड़े प्रसन्न है, गुरु जी की जो सेवा करते हैं उनको जितना दूर हो सके हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन उनका अंदर में ये भावना नहीं था, उनका अंदर भावना मैं बड़ा बनूंगा, अर्जुन को मार डालूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, इसलिए द्रोणाचार्य जी सब जान के उनको स्वीकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपना बल से कोशिश किया मैं सीखने के लिए। द्रोणाचार्य जी को मूर्ति बना दिया और उन्होंने प्रैक्टिस करते 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 ऐसे प्रैक्टिस किया। एक दिन पंचपांडव गए जंगल में, उनके पास में कुत्ता था, जो कुत्ता था वो आहट मिलते भो 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 करना शुरू करता है। वहाँ पर एकलव्य था, एकलव्य ऐसे बाण मारा उसको मुँह में ना तीर तीर से भर गया, लेकिन फर्ज कर नहीं आया, तो कुत्ता वापस आ गया। जब वापस आ गया अर्जुन ने देखा इसकी बाण है पूरा मुँह के मुँह भर गया, लेकिन कोई खर्च कर भी नहीं आया। अर्जुन ने बोले भैया मेरे को भी ये बाण बताइए, कोई साधारण बात है, कुत्ता का मुंह भर जाए बाण से लेकिन थोड़ा सा तक भी नहीं आए। वहाँ पर गए अर्जुन जाकर के देखा एकलव्य को, बोले तुम्हारे नाम क्या, बोले एकलव्य, बोले गुरु जी को द्रोणाचार्य मूर्ति बना कर बैठा, बोले द्रोणाचार्य जी मेरे गुरु जी हैं, बोले द्रोणाचार्य जी हमारे गुरु जी है। अर्जुन वापस आए आ करके बोले गुरुदेव आप मानते हो आपकी शिष्य में मैं सर्वश्रेष्ठ शिष्य, सर्वश्रेष्ठ शिष्य आप मेरे को मानते हो, लेकिन आप मेरे को जो मंत्र नहीं सिखाया बाण, मैंने आपका कोई और शिष्य है जो उनको भी सिखाया कौन है, ला हमको दिखाते लेकर गए एकलव्य के पास। एकलव्य ने ये देखा आपका मूर्ति बना लगा, प्रैक्टिस करते 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 ऐसे कुत्ते को मुँह पर बाण मारे, बाण तो भर गया लेकिन फौर से लगे नहीं आया, मेरे को ये पता नहीं, हमसे भी श्रेष्ठ विद्या इसको प्राप्त की। लेकिन द्रोणाचार्य साधारण नहीं, वो जानते हैं ये गुरु जी के आनुगत्य करने वाला अर्जुन, गुरु जी का सेवा करने वाला अर्जुन ने ये मेरी सेवा किया और मेरे आदेश को पालन किया, मैं पालन करते हुए मैंने इसको शिक्षा प्रदान की। लेकिन ये किसने किया, किया जोर जबरदस्त इसने है, मैं अर्जुन को नीचा दिखाऊंगा, है अर्जुन को मैं गुरु जी का प्रिय शिष्य को नीचा दिखाऊंगा, इसलिए उन्होंने अपना साधन के बल से प्राण प्रैक्टिस करके बल सीखा। जब सीखा भले ये भविष्य में क्या करेगा, ये दुर्योधन के पक्ष में जाएगा और जा करके इनकी शत्रु बनेगा, मेरे अर्जुन का शत्रु बनेगा है। इसलिए बोले देख बेटा गुरु मैं हूँ ना, बोले हाँ, बोले तुमने सब शिक्षा प्राप्त किया मेरे से, बोले हाँ गुरु जी, बोले गुरु दक्षिणा बगैर तो कोई फल नहीं मिलता, क्या चाहते, गाहन अंग के जो वृद्ध अंगूर है इसको काट करके दे दो, क्योंकि जो बाण मारते ना ऐसे पकड़ करके ना ऐसे पकड़ करके मारते ऐसे, अगर ये अंगूर चली जाएगी फिर तो आपका जो ताकत है बाण मारने की ताकत नहीं रहेगी। लेकिन उसने किया क्या, गुरु जी बोलने का साफ सब काट दिया, काट कर गुरु जी को मैंने गुरु दक्षिणा रूप में दिया। लेकिन यहाँ पर क्या दिखता है, गुरु जी इतने बड़ी सेवा अंगूर भी काट करके देंगे तो बहुत बड़े, गुरु जी कहते ना द्रोणाचार्य बड़े गड़बड़ी किया, गुरु जी की शिष्य की अंगुष्ठाई काट लिया, ये कोई गुरु जी है, लेकिन द्रोणाचार्य साधारण नहीं, सब जानते हैं। एक दिन ये भक्तों का विरोध बन गया, सचमुच से एक दिन वो दुर्योधन को पत्थर में गया और उसका पत्थर लेकर अर्जुन के साथ और भगवान सुदर्शन चक्र से उसको गला काट दिया। लेकिन यहाँ पर दिखता है गुरु जी की अनुगत्य के बगैर अपना चेष्टा से बहुत कुछ कोशिश करने पर भी लास्ट में उसका दिव्या भस्म उसको मारा गया, उसने मारा गया। यहाँ पर गुरुदेव उसके शिक्षा कहते हैं नहीं, जो कुछ चीज करे गुरु जी की अनुगत्य से हर चीज करनी चाहिए, गुरु जी के अनुगत्य में अगर हर चीज करेंगे एक दिन हम भी फल के रहेंगे, हर चीज हमारी भी
बढ़िया हो। इसलिए गुरुदेव इनको दिए, ये जो शिष्य है ये तामस नहीं शिष्य है, तम गुण का शिष्य है, ये शिष्य में शिष्य नहीं। गुरुदेव ने सात्विक राजसी तामसी ऐसे गुरुदेव ने इसका सबके सब उदाहरण दिया। ठीक है, इसको हम आगे सुनेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते प्रकृत शिष्य गुरुता सभी बनी प्रतिष्ठित गुरु थे ईश्वर प्रति विशिष्ट गुरु थे तर प्रगाढ़ विश्वास सहज प्रीति। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते जो वास्तव शिष्य है कहते अपने आप को गुरुदास में अभिमान करके उसमें प्रतिष्ठित है, गुरु जी का प्रति भगवत बुद्धि उनकी रहती है और गुरु जी का प्रति पूरा विश्वास और उनको स्वाभाविक रूप में जो प्रीति है उनको गुरु जी के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रीति रहते हैं। प्रकृत शिष्य गुरु के परम आत्मीय कृष्ण पृष्ठ रूपे वृत्यास्पद रूपे नित्य प्रभु नित्य सेव्य एवं जीवन सर्वस्व बोले जाने। तो जो वास्तव रूप में जो शिष्य है गुरुदेव को क्या मानते हैं, अगर जगत में अपना अगर कोई कहने वाले हैं और सबसे अगर कृष्ण की अत्यंत प्रिय श्री गुरुपाद पद्म अगर जीवन में सबसे अगर हमारे की प्रीति का वस्तु है प्रेम करने का वस्तु कि गुरुपाद पद्म है ये हमारे नित्य प्रभु है यही हमारे नित्य सर्वस्व जीवन का सब कुछ हमारे श्री गुरुपाद पद्म है। शिष्य जान लीजिए गुरुदेव और युगपाद भक्ति विग्रह भगवत विग्रह। शिष्य को पता है गुरुदेव का एक साथ में दो स्वरूप है, कहते एक स्वरूप में भगवत स्वरूप है तो भगवान की कृपा ही गुरु रूप में आते हैं साक्षात हरि मेरे समस्त शास्त्र है क्यों कि भगवान की अत्यंत अत्यंत प्रिय है गुरुदेव। एक साथ में भगवत स्वरूप भी है और एक साथ में गुरुदेव भक्ति स्वरूप है। गुरुदेव रे कृष्ण रे प्राण प्राण अपेक्षा प्रिय, कहते गुरुदेव कौन है बोले कृष्ण का प्राण से भी अत्यंत प्रिय गुरुदेव ताहर अभिन्न मूर्ति व प्रकाश विग्रह। भगवान की अभिन्न मूर्ति उनका प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म। गुरुपाद पद्म दास व्यतीत कृष्ण दास लाभ संभावना नहीं, कि जब तक श्री गुरुपाद पद्म का दासत्व नहीं करते हैं तब तक कृष्ण दासत्व हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। जरा गुरुदास वा सेवा करे ताहे प्रकृत वैष्णव प्रकृत शिष्य आर बाद बाकी सकले अहंकार विमुड़ सोजा कथाई भोगी हवार वासना करते। जो व्यक्ति गुरुदास्य को छोड़ करके गुरु सेवा को छोड़ करके हैं छोड़ देते हैं तारा वैष्णव भी नहीं तारा प्रकृत शिष्य भी नहीं कहते। और जितने हैं कि सबके सब अहंकार है सो मूर्ख है सबके सब सीधा सोजा कथा है मतलब सिद्धि सिद्धि बात में कहते ये क्या है कहते भोगी होने का ये चेष्टा है तो बोला अपना भोग के लिए कोशिश करता है भगवान की सेवा के लिए है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे पिताय गौर हरि गो Oh.